फैक्टर्स, जैसा कि आप लोग आज देख पा रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे, आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल मतलब होता है दशमलव, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो दशमलव भिन्न होता क्या है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बैंक पीओ, बैंक के पीओ में, क्लर्क में, रेलवे में, एसएससी वगैरह वगैरह जितने हैं सारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके डेसिमल फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बाय वन बाय वन। ठीक है ना, तो पहले इसमें दे रखा है डेसिमल और फिर दे रखा है फ्रैक्शन। तो पहले जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसमें एक कंडीशन होता है पी जीरो नहीं, क्यू जो होता है नीचे वाला वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये मेनली रेशनल नंबर को ही कहा जाता है। रेशनल नंबर जो होता है ना उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो रेशनल नंबर का भी यही डेफिनेशन है और फ्रैक्शन का भी सेम डेफिनेशन है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें पी क्या है, पी को कहा जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोला जाता है या अंश बोला जाता है, और जो क्यू है क्यू को बोला जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर या भिन्न। ठीक, ये होते हैं कुछ हमारे फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लिया है 2/5, 2/5 क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। 7/8 लिखा ये भी फ्रैक्शन हुआ, सिर्फ 5 लिखा ये भी फ्रैक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर होता है वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल क्या होता है। फ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन, रुकिए साफ कर दे फिर ऊपर बताते हैं। फ्रैक्शन पता चल गया, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है ना। डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके हर, हर यानी नीचे वाला, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कोई भी नंबर है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो इसका डिनोमिनेटर है जिसको हर बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 10 होना चाहिए, 10 के पावर के रूप में होना चाहिए। इधर 10 होवे, 100 होवे, 10 का पावर 10 होवे, 10 का पावर कुछ भी होवे, डजंट मैटर, लेकिन होना चाहिए। कैसे, जैसे कोई भी दशमलव नंबर है 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं 25/100। दिखाना ये 10 का पावर वाला अंश हर है ना इसका, 10 का पावर, 10 का पावर क्या है, 10 स्क्वायर वाला हर है इसका। ठीक है ना, ये होता है दशमलव नंबर, और ये है दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया, तो ये क्या हुआ, नीचे 10 का क्या आया, 10 का पावर आना चाहिए, जो कि डेसिमल का, डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। तो फाइनली डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके हर में 10 का पावर हो, कोई भी हर या डिनोमिनेटर हो जिसके 10 में, जिसके पावर में 10 हो। एग्जाम्पल जैसे दिया है 5/100, ये क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 0.05, आया ना दशमलव बीच में, 0.05 आया। जैसे अगर लिख सकते हैं 2/10 दे रखा, 2/10 को भी क्या है 10 का पावर नीचे है, ये क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको क्या लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो ये है फाइनली डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को सिर्फ फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, फ्रैक्शन में बोला जाता है या बल्गर फ्रैक्शन बोला जाता है उसको। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, और या फिर उस जो फ्रैक्शन जो कहा जा रहा है ना उसको बल्गर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या फिर इसको बोलते हैं बल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग बल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। ठीक, जैसे कोई नंबर दे रखा है एग्जाम्पल 2.2, तो 0.2 को बल्गर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 2/, ये जो पॉइंट दिया इसके जगह पे 1 लिख देते हैं, पॉइंट के जगह पे 1, इसके बाद से जितने नंबर है उतने 0, यहाँ सिर्फ 2 है ना, तो ये लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 2/10। अब इसको और सरल कर सकते हैं, कैसे, 2 से ऊपर वाला कट रहा है, 2 1 2 2 5 10, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 फाइनल हो जाता है हम लोगों का, ये हो गया बल्गर फ्रैक्शन। बल्गर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन दोनों बात एक ही है, देख लीजिए डिवाइड करके। 5 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 5 2 10 कटा ना, 0.2 आया ना। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कन्वर्जन करते हैं। जैसे एक और नंबर देख लीजिए, एग्जांपल 0.25 दे रखा है, तो 0.25 को क्या लिखेंगे, 25/, पॉइंट की जगह पे क्या लिखेंगे 1, इसके बाद से जितने नंबर हैं उतने 0, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 25/100, ये हो गया बल्गर फ्रैक्शन। इसको काटेंगे 25 से ऊपर नीचे दोनों जा रहा है, 25 1 25 25 4 100, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 0.25 का बल्गर फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। कुछ ऐसे हम लोग डेसिमल नंबर को वल्गर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक,
हाँ तो फ्रैक्शन जान लिया आप लोगों ने, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं वो जान लिया, डेसिमल फ्रैक्शन को बल्गर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए वो सारी चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू पहले होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान कहते हैं जिसको, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। ठीक है, अगर 512 दिया है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 × 10 यानी 20 हो जाएगा, और ये 5 दिया है तो ये हो जाएगा 5 × 100 बराबर 500। लेकिन अगर ये दशमलव में दे रखा है 0.512 तो हम लोग इधर से चेंज करना शुरू करते हैं, इधर से या इधर से ही चेंज करिए, ये हो जाएगा 5/(1/1000) क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट की जगह पे ये 1 आता है और जितने पॉइंट रहते उतने 0, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 5/1000 हो जाएगा। 1 के लिए क्या होगा, 1 × 1/100 इसको लिख सकते हैं 1/100। सेम वैसे 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 1/10 यानी 5/10। ठीक है, ये कुछ प्लेस वैल्यू होता है अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर दिया रहता है तो। इस तरह करते हैं हम लोग, ये पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं और जितना जितने उसके बाद वैल्यू है उतने इसको 0 से, और ये पूरे नंबर 0 लेके जितना नंबर आता है उससे इस नंबर में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5000th ऐसा कुछ करके होता है। ये हो जाएगा 100th होता है ना वो, ये क्या लिख सकते हैं 20, ये 500 लिखते हैं ना, जैसे ये लिखते हैं 500, ये 100 की जगह पे बस TH जुड़ जाता है, यानी 1 का 100 100 में से एक भाग, ये होता है 100th। सेम ऐसे ये हो जाएगा 5/10। ठीक, ये बोलते हैं 5/10 इसको बोलते हैं, इसको 100th बोलते हैं, और ये 5000th। ठीक, ये होता है कुल, ये प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है किसका, अगर डेसिमल फ्रैक्शन कोई दे रखा है तो। डेसिमल फ्रैक्शन का ये ऐसे कुछ स्थानीय मान अलग अलग निकालते हैं या प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद से आता है प्लेस वैल्यू निकालना, आप लोग सीख गए, ये बहुत आसान था, कुछ करना नहीं है, बस डिवाइडेड बाई करते जाते हैं, जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे डिवाइड होता जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों की क्लास की है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बाकी कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब एक और वैल्यू, जैसे अगर 8 दिया है, 8 के आगे 0 लगाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80। एक और 0 लगाते हैं तो ये 800 हो जाएगा, एक और 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सिंपल नंबर के आगे 0 बढ़ाते जाते तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ता जाता है, कितना 10 times बढ़ता जाता है, 10 times बढ़ता है। लेकिन वही अगर कोई दशमलव नंबर दे रखा है, जैसे 0.8 दे दिया यहाँ पे, ठीक है 0.8 दे दिया है, अब 0.8 के बाद से अगर 0 बढ़ाएंगे तो भी ये 0.8 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद से कितना भी 0 लगा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका वैल्यू 0.8 ही रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये, अगर पॉइंट लग गया, कोई नंबर दिया, उसके बाद से जितना 0 चाहे हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जितना नंबर 0 चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल नंबर दिया है तो इसमें अगर 0 बढ़ाएंगे तो 10 गुना बढ़ेगा, इसके आगे 0 बढ़ाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगली बात, एक और प्रॉपर्टी है इसका, जैसे अगर कोई नंबर दे रखा है 0.08/0.25 दे रखा है, ठीक है ना, अगर दोनों में गिनेंगे पॉइंट कितने नंबर का पहले है, 1 2, यहाँ भी 2 नंबर का पहले है, यहाँ भी 2 नंबर का पहले है, ठीक है, यहाँ भी 0.2 नंबर का पहले है, यहाँ भी 0.2 नंबर का पहले है, तो अगर दोनों में 100/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू निकले क्या आ जाएगा, 8/25 आ जाएगा ना, दोनों में ऊपर नीचे 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/25 आएगा ना। हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर में कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो वही अगर कहने का सीधा अर्थ है, अगर पॉइंट के बाद से जितने वैल्यू हैं ये बिना ये वाला स्टेप बिना लिखे हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट का वैल्यू गिनेंगे कितने नंबर के पहले है और सीधा सीधा ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इससे आए हुए बैंक वैंक में ढेर सारे क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ 2-4 क्वेश्चन, इस पर बहुत मजा आएगा करने में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन इस पे बनता है कि सेम अगर पॉइंट नंबर रहा तो उसको आराम से हम लोग काट पीट सकते हैं। 1.6 × 3.2/0.08 ये भी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट गिनेंगे ऊपर नीचे कितने वैल्यू के आ गए हैं, जैसे यहाँ पे 6 के आ गए 1, यहाँ 3 के आ गए 2, टोटल पॉइंट कितने के नंबर के आ गए हैं 2 नंबर के आ गए, यहाँ भी पॉइंट कितने वैल्यू का आ गया है 1 और 2, यहाँ भी 2 वैल्यू का आ गया है ना पॉइंट। तो अब हम लोग पॉइंट को हटाने के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, इनका वैल्यू लिख देंगे 16/32/8, ऊपर भी 2 वैल्यू के पहले था, यहाँ भी 2 वैल्यू के पहले है, तो जो पॉइंट सीधे सीधे हट जाएगा, सीधे सीधे हट जाएगा बिना किसी
अड़चन के बिना कोई दिक्कत प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब ये काट देंगे, 8 चौके 32, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है इस पर, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा वैल्यू कितना होगा, आपको आराम से निकालना होगा। दो वैल्यू के पहले था पॉइंट, एक इधर एक इधर, दो टोटल हुआ ना, नीचे भी जीरो और एट के पहले पॉइंट था, यानी दो वैल्यू के पहले इधर भी था, यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ भी दो वैल्यू। हम लोग सीधे सीधे ऊपर नीचे 100 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 16/32/8, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में टोटल 35 क्वेश्चन करने होते हैं, कितने 35 क्वेश्चन, कितने मिनट में, 20 मिनट 35 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए भी आधा मिनट मैक्सिमम मिल रहा है, समझ लीजिए 30 सेकंड आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये अगर ये सारे ट्रिक नहीं पता रहेंगे, अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो 10 सेकंड तो इसी में लग जाएगा, तो आपका समय बचेगा नहीं, तो ठीक है ना। तो ये पॉइंट वाला अच्छे से सारे के सारे ट्रिक देखिए और इसको खुश क्वेश्चन ढेर सारे करिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। बस दरखास्त है कि ढेर सारे क्वेश्चन जाइए और इन सारे ट्रिक पे करिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी ट्रिक पे कि अगर पॉइंट ऊपर नीचे सेम वैल्यू का आ गया है तो सीधे सीधे हम लोग हटा देते हैं। जैसे 4.41 क्वेश्चन दिया है, 4.41 इंटू 0.16 बाई 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। अब गिनेंगे पहले पॉइंट कितने वैल्यू के आ गए, ऊपर देख रहे हैं तो पॉइंट यहां पे कितने वैल्यू का आ गया है, 2, यहाँ पे कितने वैल्यू का आ गया है, 2, यानी टोटल कितने का आ गया हुआ, 4 के आ गया हुआ। सेम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक वैल्यू का आ गया, यहाँ भी एक वैल्यू का आ गया और यहाँ भी दो वैल्यू का आ गया, इधर से भी कितना आया, 4, यानी पॉइंट टोटल इधर भी 4 वैल्यू का आ गया, इधर भी 4 वैल्यूज के आ गए हैं। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो जाएगा 441/16/21 × 16 × 21। हम लोग काटना शुरू करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 441, तो 21 से काटेंगे तो ये 21 बचेगा, फिर 21 से काटेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 16 जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 ही बचा, टोटल मिला के 1 आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हल हो गया, क्वेश्चन देखते ही लोग छोड़ देंगे, आ तेरी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे कैसे, डरना नहीं है, पहले पॉइंट हटा देना है, जैसे हट जाए हटा देना है, नीचे जो है ना एकदम पॉजिटिव कर ही देना है, मतलब पॉइंट नीचे छोड़ना ही नहीं। अगला क्वेश्चन सेम उसी ट्रिक पे, अगर सेम पॉइंट के आगे सेम वैल्यू, मतलब सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो सीधे सीधे पॉइंट को हटा देते हैं। देखिए जैसे इधर गिनते हैं, इधर आता है पॉइंट कितने वैल्यू के पहले है, इधर 3 वैल्यू के पीछे, इधर 4 वैल्यू के पीछे, इधर 1, टोटल कितने हुए, 4 3 7 और 1 8। नीचे गिनते हैं, ये 4 वैल्यूज के आ गया है, यहाँ पे 3 वैल्यूज के आ गया और ये 1 वैल्यूज के आ गया, टोटल कितने वैल्यू का आ गया, 0.8, यानी सीधे सीधे हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 729 × 28.289। सीधे सीधे पॉइंट हटा और जो वैल्यू है सीधे सीधे उसको लिख देंगे बिना किसी दिक्कत के। नीचे हो गया 81 25 और ये हो गया 17। हमको पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, आपको पता है कि नहीं, ये आपके ऊपर, अगर आपको याद है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे वरना ढूंढते रह जाएंगे। तो 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर के स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289, यहां बचा 17। 25 का स्क्वायर होता है 625, यहां से ये जाएगा तो ये 25 दे जाएगा। 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है और ये 9 का स्क्वायर है, ये 81 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है, तो यहाँ से कटेगा ये, तो सीधा सीधा हम लोगों को क्या देगा, 9 देगा, यानी बचा क्या, 25 × 9 × 17, ऐसा कुछ करके हम लोगों का बचा, ठीक। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका और जो वैल्यू होगा वही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा।